वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज आपकी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रिलेटेड। फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस ए बी एंड सी में हमने सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अब हम करेंगे, देखिए इस ईयर जो हमारी न्यू बुक आई है उसमें ये ईच एंड एवरी चैप्टर के साथ एक न्यू एक्सरसाइज एड ऑन की है, दैट इज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो हमें वही एक्सरसाइज करनी, बाकी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, आपको जाके चैनल से मिल जाएंगे। आप सीधे जाके यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, अपने चैप्टर का नेम एंड ब्रिलियंट माइंड्स लिख देना, जहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 7 से लेना कंसाइज मैथमेटिक्स बुक की, तो आप वहाँ से भी जाके अपनी सारी वीडियोज देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एंड इससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन द कंप्यूटर लैब ऑफ अ क्लास 7, देखिए इन अ कंप्यूटर लैब ऑफ क्लास 7 कितने कंप्यूटर्स हैं? 8 कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 10 स्टूडेंट्स। तो 8 कंप्यूटर्स उन्होंने हमें दिए हैं, कितने स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है? 10 स्टूडेंट्स के लिए। एंड द नंबर ऑफ कंप्यूटर आपको बताना है, कितने कंप्यूटर चाहिए 40 स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए इसको हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, इंडायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगा के और रेशियो प्रोपोर्शन आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप यूनिटरी मेथड चैप्टर में आप रेशियो प्रोपोर्शन भी अप्लाई कर सकते हो, बट हम सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले 8 कंप्यूटर्स हैं 10 स्टूडेंट्स के लिए, 40 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर होंगे आपको ये बताना है इसमें। देन आप सबसे पहले लिखिए हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो आप पहले लिखेंगे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड, तो कितने स्टूडेंट्स के लिए हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हैं? 8। देन सेम लाइन आपको एज इट इज लिख देनी है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर हाउ मैनी स्टूडेंट्स, फॉर 1 स्टूडेंट। यूनिटरी मेथड मीन्स पहले 1 के लिए निकालना है, फॉर 1 स्टूडेंट। तो देखिए अगर आपको 10 स्टूडेंट्स के लिए 8 कंप्यूटर्स चाहिए तो 1 स्टूडेंट के लिए तो कम चाहिए, तो जब भी हमारा आंसर कम में आना होता है, लेस आना होता है, तो हमें करना है डिवाइड। तो अभी देखिए 10 स्टूडेंट्स के लिए 8 कंप्यूटर चाहिए, 1 स्टूडेंट के लिए 8/10, तो अभी आपको फ्रैक्शन में रहने देना है। देन आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट, जितना उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स के लिए पूछा है? 40 स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे बस बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है, 10 स्टूडेंट के लिए 8 कंप्यूटर्स चाहिए, 1 स्टूडेंट के लिए 8/10, इसको नीचे लाके डिवाइड कर देना है। अब ये चाहिए हमें, 1 स्टूडेंट के लिए चाहिए 8/10। अगर 1 स्टूडेंट के लिए इतने कंप्यूटर चाहिए तो आपको 40 के लिए कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाई करके। जब भी मैंने देखिए 1 के लिए निकाल रहे, मैंने डिवाइड किया, अब हमें 1 स्टूडेंट का तो ऑलरेडी पता है कि 1 स्टूडेंट को इतने कंप्यूटर चाहिए, तो 40 स्टूडेंट्स को कितने चाहिए होंगे? 40 से कर देंगे, जैसे हम बोले कि 1 पेन की प्राइस 10 रुपीज़ है, 2 पेन की प्राइस कितनी होगी? 20 रुपीज़, 3 पेन की, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को, 30 रुपीज़। ऐसे ही हमें 40 स्टूडेंट्स के लिए अगर कंप्यूटर्स फाइंड करने हैं तो हम 40 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएंगे। देन 4 8 32, तो आपको कितने कंप्यूटर्स चाहिए? 32 कंप्यूटर्स। तो हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आ गया ऑप्शन 1, 32। क्वेश्चन नंबर 2, 6 आइडेंटिकल पेन्स कॉस्ट ₹90, द कॉस्ट ऑफ 15 सच पेन्स। अब देखिए सबसे पहले हमें कॉस्ट ही फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स, आइडेंटिकल पेन मीन्स एक जैसे ही हैं, कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स ₹90। देन आपको क्या करना होता है यूनिटी मेथड के लिए? कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालेंगे हम, तो 1 पेन की कैसे आएगी? 90 डिवाइडेड बाय 66। तो हम चाहें तो यहाँ सीधा डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ नेक्स्ट स्टेप में एक ही साथ कर सकते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ 15 पेन जिनका हमें फाइंड करना होता है,
सिक्स पेन की कोस्ट 90 रुपीज़। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना है, जो हमें फाइंड करना होता है, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, कोस्ट फाइंड करनी है। तो जो फाइंड, देखिए ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू के बाद, तो जो भी हमें फाइंड करना होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड रखते हैं। सिक्स पेन्स की कोस्ट 90, वन पेन की कोस्ट 90/6, 15 पेन की कितनी होगी। अगर एक पेन इतने में मिल रहा है तो मैनी पेन, ज़्यादा पेन की प्राइस पूछ रहे हैं ना हम, 15 पेन्स की निकालनी है तो 15 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए आप यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट को ईजी लगता है वो कर लीजिए, और सीधा एक ही बार भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 5s and 3 2s and 2 1s and 2 45s and 90। अब आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे प्राइस, 45 × 5 आपके पास आ गया 225 रुपीज़। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर आ गया, 15 पेंस कितने के मिलेंगे हमें, 225 रुपीज़ के। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 90 डेज। सिक्स मैन कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 90 डेज में। इन हाउ मैनी डेज विल 15 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है आपने, जब भी हमने चैप्टर भी किया था, एक्सरसाइजेज हमने ऑलरेडी डिटेल में की हुई, एक्सरसाइज ए बी सी, आपने वो सारी एक्सरसाइज देखने जिससे आपके पास बेसिक कंसेप्ट हो कि चैप्टर को कैसे करना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए चैप्टर की, और आपको वो सारी वीडियोस देख के बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए अब देखिए, सिक्स मैन एक काम 90 डेज में करते हैं, तो 15 मैन तो वो वर्क जल्दी फिनिश कर लेंगे ना। जैसे सपोज कोई असाइनमेंट मिल जाए, सपोज 10 स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट मिली है और वो 5 डेज में वो कंप्लीट करेंगे, तो अगर 10 स्टूडेंट्स की प्लेस पे हम 20 स्टूडेंट्स को लगा दें वही असाइनमेंट करने में, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होने से आपका काम डिवाइड हो गया और काम जल्दी हो जाएगा। तो याद रखना है, जब भी किसी भी वर्क को करने की, जैसे अब सिक्स मैन 90 डेज में काम कर रहे थे तो हमने नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन, ये आपका जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, एक इनवर्स होता है, तो इसको हम इनवर्स बोलते हैं। तो देखिए इसमें कैसे सम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, सिक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ वर्क इन हाउ मैनी डेज, 90 डेज। देन आप लिख सकते थे नंबर ऑफ डेज, सिक्स मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो हमने 90 डेज लिख दिया। देन अब वन पर्सन है, अगर वन मैन है उसको ये सेम काम करना है, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, तो उसका कितना टाइम लगेगा, आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है। सिक्स मैन 90 डेज में वो काम कर सकते थे, अगर हमने एक ही पर्सन को बोल दिया आपने ये सारा काम करना है तो उसको बहुत सारे दिन लगेंगे वो काम कंप्लीट करने में। तो आपका आंसर देखिए कितना बड़ा आ रहा है, बड़ा आंसर कैसे आता है, मल्टीप्लाई करने से। तो इसमें पहले करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए आपको लर्निंग करना, कंसेप्ट को समझना। मैंने क्या समझाया कि एक पर्सन वो काम करेगा उसको बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप सीधा मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, जब बाद में सीधी डायरेक्ट कटिंग भी कर लेंगे, जैसे 9 6 54, तो उसको इतने डेज लग जाएंगे काम कंप्लीट करने में। अगर हम 15 मैन वहाँ पे पर्संस को बोल दें कि 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, 15 मैन ने वो काम करना है अ पीस ऑफ वर्क, देखिए अगर हमारे जो वन पर्सन है वो इतने डेज में काम कंप्लीट कर रहा है, तो 15 पर्सन को काम डिवाइड कर लेंगे सारा, तो वो जल्दी फिनिश कर देंगे, तो काम डिवाइड हो रहा है तो इसलिए आप क्या कर दोगे, डिवाइड, क्योंकि वो जल्दी फिनिश कर लेंगे, आपका आंसर कम में आएगा। जब हमारा आंसर की वैल्यू लेस आएगी तो इट मीन्स वो डिवाइड करने से आएगी, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। और देखिए अब आपको थोड़ा बड़ा नंबर मिल रहा है ना, तो इसलिए मैं हमेशा क्या बोलती हूँ आपको क्या करना चाहिए, विदाउट यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही नंबर लिख देना चाहिए तो हमें सॉल्व कर देना। कटिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको हम कट कर सकते हैं 5 के टेबल में, 5 1 5 5 0 5 8 40, 5 3 3 1 3 3 3 9 and 3 6, तो आपके पास आंसर आ गया 36 डेज। तो अगर आप डायरेक्ट कटिंग करते 15 की 19 से डायरेक्ट कटिंग हो जाती, 15 1 15 6 6 6 36।
ये ज़्यादा इजी वे रहता है आपके लिए सॉल्व करना। तो हमारा आंसर आ गया 36 days। अब मैं आपको सिखाती हूँ एक और मेथड है जो हम होता है हमारा एरो मेथड। देखिए, एक तो हमने कर लिया ये जिसमें हम पूरी लाइंस लिखते हैं, जो हमारा एरो मेथड है हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पे एरो मेथड। अब आपने ध्यान से समझना है कि हम एरो मेथड कैसे अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस में। आप चाहें तो यही कीजिए यूनिटरी मेथड, बस मैं आपको एक और मेथड सिखा रही हूँ, अगर आपको ईजी लगे तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब आपको एरो मेथड ऐसे अप्लाई करना है। देखिए, इसमें क्या है हमारे पास डेज एंड नंबर ऑफ मैन। अगर 6 days हैं तो उसके लिए कितने मैन हैं, 90 days। यहाँ पे 90 अगर डेज हैं तो मैन कितने हैं हमारे पास 6। एंड अगर 50 मैन हैं तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे उसको हमने ले लेना है x। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कंसेप्ट में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैन क्या हो रहे हैं इंक्रीज। तो आपको ऐसे एरो बनाना है क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं। मैंने क्या समझाया, अगर मैन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं तो डेज कम लगेंगे, तो ये हो रहा है डिक्रीज। तो इसको इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। तो इनवर्स वेरिएशन में आपको क्या करना होता है, अब आप देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल मेथड, आपको क्या करना होता है, जो आपका एरो इंक्रीज हो रहा है देखिए ऊपर की तरफ है, वो नंबर आपको एज इट इज लिखना है। जैसे 6/15 एज इट इज लिखेंगे हम। एंड जो नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है और इसको सॉल्व करना है तो हम पहले लिखेंगे x/90। देखिए रेसिप्रोकल कर दिया, 90/x की प्लेस पे आना है x/90। ये एरो डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको इसको कर देना है रेसिप्रोकल। और ये किसके इक्वल है, ये एज इट इज़ रहेगा 6/15, क्योंकि इसका एरो अपवर्ड जा रहा था, इसको आपने रेसिप्रोकल नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम 90 को जाके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो 90 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 15 1 एंड 15 6, तो 6 6 36 आपके पास आ गए 36 days। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एंड इससे पहले हम इसको मार्क कर देते हैं, option 2 हमारा करेक्ट आंसर है 36। क्वेश्चन 4 में आपको दिया है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 20 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25 km/h। वट शुड बी द एवरेज स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 15 मिनट्स। अब यहाँ पे हम एक बार एरो मेथड से करेंगे और यूनिटी मेथड से भी करेंगे। एरो मेथड अकॉर्डिंग हमारे पास 2 things हैं, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इन मिनट्स। देन देखिए, अगर आपके टाइम कितना है 20 मिनट्स हैं तो तब स्पीड है 24 km/h। अगर आपको 15 मिनट्स में सेम डिस्टेंस कवर करना है तो लेट द स्पीड बी एक्स। अब यहाँ पे आपने ध्यान से समझना है इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है। पहले एरो मेथड से हम इजिली समझ सकते हैं, अ सर्टेन डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 20 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड। 20 मिनट्स में वो डिस्टेंस कवर हो जाएगा अगर आपकी स्पीड है 24 km/h। देन अगर हमें वो सेम डिस्टेंस 15 मिनट्स में कवर करना है, मतलब कम टाइम में कवर करना है, डिस्टेंस सेम ही है, वो डिस्टेंस अगर आप एवरेज स्पीड 24 km/h रखोगे तो 20 मिनट्स में कवर होगा। अगर आपको वो डिस्टेंस जल्दी कवर करना है, 15 मिनट्स में कवर करना है, तो आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर हमें कहीं जाने के लिए भी जल्दी पहुंचना है, कम टाइम में पहुंचना है, तो हमें स्पीड इंक्रीज करनी पड़ती है। तो स्पीड आपको करनी होगी इंक्रीज। देन ये इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि जब एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। बट एरो मेथड में तो बहुत सिंपल हो जाता है, आपको क्या करना होता है, जिसका एरो इंक्रीज हो रहा है वो नंबर तो आपको एज इट इज डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। 24/x इज इक्वल टू व्हाट, जो हमारा डिक्रीज हो रहा है उसको करना है रेसिप्रोकल 15/20। अब हमें क्या करना है, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए, हमें तो वेरिएबल की ही वैल्यू फाइंड करनी है ना, और वेरिएबल होना चाहिए न्यूमिरेटर में अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको देखिए 20 करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ एंड एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन में भी अच्छे से सीखे है, अगर ये 15 × x है तो 15 आके यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जैसे 5 के टेबल में जा सकते हैं,
फाइव फोर ज़ा फाइव थ्री ज़ा थ्री वन ज़ा थ्री थ्री एट ज़ा 24 एट फोर ज़ा 32। तो आपकी स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। एंड अब देखिए इसको हम कर लेते हैं यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग भी। अब आप यहाँ पे समझिए आपको क्या करना है, वो स्पीड पे लिखनी है, स्पीड ही फाइंड करनी है। तो वो राइट हैंड साइड रखेंगे स्पीड व्हेन टाइम इज 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स का टाइम है तो स्पीड है 24 किलोमीटर। अगर 1 मिनट में कहीं जाना है तो स्पीड बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी। देखिए अगेन कंसेप्ट को समझना, अगर आपको जल्दी पहुँचना है, टाइम कम करना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कोई चीज़ इंक्रीज करनी होती है देन उसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो 20 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 1 मिनट में इतना किलोमीटर स्पीड चाहिए हमें देन 15 मिनट्स के लिए, अब तो ज़्यादा टाइम मिल गया, टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड हम कम कर देंगे। देन 24/20 डिवाइडेड बाय 15, देन 3 के टेबल में अगेन यहाँ पे 5 के टेबल में चला जा सकते हैं। 5 4 ज़ा पहले 20 एंड 5 3 ज़ा देन 3 1 ज़ा एंड 3 8 ज़ा देन 8 4 ज़ा 32। तो आपका आंसर आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 20 वर्कर्स कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, इट मीन हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट हाफ ऑफ दिस वर्क बाय 8 वर्कर्स। देन 8 वर्कर्स कितने दिन में हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट कर लेंगे, हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क बाय 20 वर्कर्स। 20 वर्कर्स कितने डेज में काम कंप्लीट करेंगे, 28 डेज में। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क, अगर हमें हाफ वर्क करना है तो कितने लगेंगे। देखिए अब नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट अ वर्क बाय 20 वर्कर्स 28 डेज। तो फिर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क पर्सन सेम ही रहेंगे, हाफ ऑफ द वर्क बाय 20 वर्कर्स। आपने यहाँ कंसेप्ट को समझना है। अब कितने डेज होंगे, 14 डेज। कैसे आया यहाँ पे देखिए, वही 20 वर्कर्स अगर पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट अ वर्क पूरा काम कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको लग रहे हैं 28 डेज। अगर वो हाफ काम कंप्लीट करेंगे, इसमें से हाफ काम डन करेंगे देन उनको लगेंगे 14 डेज। 14 कैसे आया, हमने 28 को 2 से कर लिया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो आपके पास आ गया 14 डेज, हाफ कर दिया 28 का हाफ। अब आपके 20 वर्कर्स को 14 डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में। सेम काम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, अब हम कर रहे हैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन को, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, अगेन क्या लिखेंगे, टू कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क, पूछा ही वर्क कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क बाय 1 वर्कर। क्योंकि यूनिटरी मेथड पहले आपको 1 के लिए तो फाइंड करना ही है, अब नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क बाय 1 वर्कर। 20 वर्कर्स 14 डेज में काम कंप्लीट करेंगे, 1 वर्कर को तो उससे भी ज़्यादा डेज लगेंगे काम कंप्लीट करने में। तो 14 × 20 आपने हमेशा याद रखना है। अगर आपका कोई भी आंसर इंक्रीज हो रहा है तो आंसर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देन नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे नंबर ऑफ डेज, अब हमें फिर से फाइंड करना है वही कि नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क बाय 8 वर्कर्स। और आप देखिए कितना सिंपल है, अगर 1 वर्कर इतने डेज में काम को कंप्लीट कर देगा, मतलब उसको तो ज़्यादा टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, तो 8 वर्कर थोड़ा जल्दी काम कंप्लीट कर लेंगे।
तो आपका आंसर लेस में आ रहा है तो कर दीजिए डिवाइड। देन टू के टेबल में कटिंग कर सकते हैं इसकी, टू सेवन ज़ा एंड टू फोर ज़ा, फोर वन ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा, देन सेवन फाइव ज़ा 35, तो आपका आंसर आ गया 35 डेज। 8 वर्कर हाफ काम कंप्लीट कर देंगे 35 डेज में। तो ये आ गया ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर। और इसी क्वेश्चन को आपने अगर एरो मेथड से कंप्लीट करना होता तो हमारी कौन कौन सी टू थिंग्स हैं, एक तो हमारे पास है नंबर ऑफ मैन, जहाँ वर्कर लिख दीजिए, हमें वर्कर्स दिए है तो नंबर ऑफ वर्कर्स, देन है हमारे पास नंबर ऑफ डेज। अब यहाँ पे देखिए 20 वर्कर्स कितने डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 14, क्योंकि हमें हाफ वर्क के लिए करना है, पूरे वर्क के लिए नहीं करना, पूरा वर्क 28 डेज में कंप्लीट हो रहा है पर क्वेश्चन में हमें करना है हाफ वर्क के लिए, तो हाफ तो 14 डेज में हो जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, 8 वर्कर्स कितने डेज में करेंगे, तो उसको एक्स ले लीजिए। देखिए अब ध्यान से समझना है आपने, यहाँ पे अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो डेज भी आपको ज़्यादा लगेंगे काम कंप्लीट करने में, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो जो डिक्रीज हो रहा है उसको हम रेसिप्रोकल करना है 8/20, और जो इंक्रीज हो रहा है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, उसको रेसिप्रोकल नहीं करते। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एक्स को पहले 8 से मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, एंड 20 को 14 से मल्टीप्लाई, देन एक्स एज इट इज 20 × 14 डिवाइडेड बाई 8, देन कटिंग कर देते हैं टू के टेबल में, टू सेवन ज़ा, टू फोर ज़ा, फोर वन ज़ा, फोर फाइव ज़ा, तो आपके पास एक्स का आंसर क्या आ गया 5 7 ज़ा 35। तो उनको 8 वर्कर्स को 35 डेज लगेंगे हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट करने में। अब हमने अपनी मल्टीपल च्वाइस टाइप जो एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 8 की, उसके 1-5 क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर भी हो गया। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।